की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम अमरनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते। जनों, आज हम आपको अमरनाथ की पावन कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ के दर्शन यहाँ हिमलिंग रूप में होते हैं। प्रिय भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को इसी गुफा में अमर कथा का गूढ़ रहस्य बताया था, जिस कारण से इस पावन गुफा का नाम अमरनाथ गुफा पड़ा और हिमलिंग रूप में भोलेनाथ के दर्शन होने के कारण इन्हें बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं अमरनाथ गुफा की ये पावन कथा। अमरनाथ की अमर गुफा है भक्तों बड़ी पावन, हिमलिंग रूप में भोलेनाथ के होते जहां दर्शन, लाखों भक्त हर साल यहां दर्शन को सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर, यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं जितना पुण्य काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजन से होता है, उससे 10 गुना और प्रयागराज से 100 गुना तथा नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना पुण्य प्राप्त बाबा अमरनाथ के दर्शन से मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस पावन स्थान का नाम 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ माता सती का कंठ गिरा था। प्रिय भक्तों, अमरनाथ की पावन गुफा का प्रथम बार दर्शन महर्षि भृगु ने किया था, जब वो तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर आए थे तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें इसी गुफा में दर्शन दिए थे। लगा है
भक्त जनों, कहते हैं महर्षि भृगु को भगवान भोलेनाथ ने इसी पावन गुफा में दर्शन दिए थे। प्रिय भक्तों, इस गुफा का नाम अमरनाथ गुफा क्यों पड़ा, इसके पीछे बड़ी ही प्राचीन एवं पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ, किंतु उनके पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भोलेनाथ का अपमान किए जाने पर माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए और अपने अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लिया। भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए अपने इस जन्म में भी माता पार्वती ने बड़ी घोर तपस्या की, तब कहीं जाकर भोलेनाथ विवाह के लिए माने थे। गले में नरमुंडों की माला देखकर उन्होंने भोलेनाथ से प्रश्न किया, हे स्वामी, आपने ये नरमुंडों की माला क्यों धारण की है और मैं इसका रहस्य जानना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती को टालना चाहा, किंतु माता पार्वती जिद पर अड़ी रही। तब भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, आपके अनेकों बार जन्म हुए हैं और अपने हर जन्म में आपका विवाह मेरे साथ ही हुआ है। जितने भी जन्म आपके हो चुके, इस माला में उतने ही नरमुंड हैं। माता पार्वती को ये बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भोलेनाथ से कहने लगी, हे भोलेनाथ, हर जन्म में मेरा आपसे ही नाता है, फिर मुझे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मैं भी आपके जैसे अमर हो जाऊं और मुझे आपसे कभी बिछुड़ना ही ना पड़े। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ मान गए
और कहने लगे, हे देवी, यदि आप अमर कथा का गूढ़ रहस्य जान लेंगी तो आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तब माता कहने लगी, हे भोलेनाथ, फिर क्यों ना आप मुझे अमर कथा सुनाकर युगों युगों तक अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। मुझ पर इतनी कृपा अवश्य करें और मुझे अमर कथा सुनाकर कृतार्थ करें। पावन कथा सुनाते हैं, पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर, यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। भक्तजनों, माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ उन्हें अमर कथा सुनाने के लिए मान जाते हैं, किंतु वो कहते हैं, हे देवी, अमर कथा को सुनने के लिए कोई ऐसा उचित स्थान होना चाहिए जहां आप और मेरे अलावा कोई दूसरा प्राणी ना हो। तब माता कहने लगी, भोलेनाथ, ऐसा उचित स्थान तो आप ही बता सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि हिमालय पर्वत की एक गुफा इसके लिए उचित होगी। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर देते हैं, किंतु उन्हें याद आया कि अभी तो नंदी भी हमारे साथ ही है। भक्तजनों, क्योंकि भोलेनाथ सिर्फ माता पार्वती को ही अमर कथा का गूढ़ रहस्य सुनाना चाहते थे, इसीलिए सर्वप्रथम उन्होंने एक स्थान पर अपनी सवारी नंदी को भी छोड़ दिया और उन्हें कहा कि हे नंदी, हम कुछ समय पश्चात ही लौट आएंगे, जब तक हम लौट कर नहीं आते तुम यही निवास करना। प्रिय भक्तों, जिस स्थान पर भोलेनाथ ने नंदी को छोड़ा था, आज वही स्थान पहल ग्राम के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात भोलेनाथ और माता पार्वती ने आगे की ओर प्रस्थान कर दिया।
भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने अपने गले से जहाँ सर्पों की माला का त्याग किया था, वही स्थान शेषनाग झील कहलाता है। इसके पश्चात भोलेनाथ और माता पार्वती आगे की ओर चल देते हैं, किंतु अभी भी गणेश जी भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ थे। एक स्थान पर आकर भोलेनाथ ने गणेश जी से कहा, हे पुत्र, अब तुमको भी यहीं रुकना होगा। प्रिय भक्तों, जिस स्थान पर भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को छोड़ा, वो स्थान गणेश टॉप के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी को छोड़ने के पश्चात अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ही शेष रह जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जनों, माता पार्वती और भोलेनाथ उसी पावन गुफा में प्रवेश कर गए, जहां पर वो माता पार्वती को अमर कथा सुनाकर अमरत्व प्रदान करना चाहते थे। भोलेनाथ ने जोर जोर से डमरू बजाकर उद्घोष किया कि कोई भी प्राणी यहां नहीं रहे, तो भक्तों वहां से सभी पशु पक्षी प्रस्थान कर गए। अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी, अभी यहाँ पर कोई प्राणी शेष नहीं है, मैं तुम्हें अमर कथा का गूढ़ रहस्य सुनाऊंगा, तुम हुंकार अवश्य ही भरती जाना। और भगवान भोलेनाथ इतना कहकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लग जाते हैं। सुनते सुनते बच्चे जो बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर, यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। भक्तजनों, जब भोलेनाथ ने माता गौरा को कथा सुनानी प्रारंभ की, तो बाकी पक्षी तो सभी उड़ गए, किंतु एक कबूतरी के दो अंडे वहां रह गए, जो अमर कथा को सुनते सुनते बच्चे बन गए। भक्तजनों, अमर कथा को सुनते हुए माता गौरा को निद्रा आ गई
और भोलेनाथ ध्यान मग्न होकर अमर कथा सुनाते रहे, जिसे वो कबूतर के दोनों बच्चे सुनते रहे और हुंकार भी भरते रहे। भोलेनाथ तो सोच रहे थे कि हुंकारें देवी पार्वती ही भर रही हैं, और उन्होंने निरंतर कथा को सुनाना जारी रखा। पावन कथा सुनाते हैं, पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर, यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। प्रिय भक्तजनों, जब भोलेनाथ ने जान लिया कि अमर कथा को दोनों कबूतरों ने सुन लिया है, तो वे उन पर बहुत ही क्रोधित हुए और उनका वध करने को अपना त्रिशूल उठा लिया। भोलेनाथ को क्रोधित देखकर दोनों कबूतर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करते बोले, भोलेनाथ, आपके श्रीमुख से ही अमर कथा सुनकर हमें अमृत्व प्रदान हुआ है, आप चाहें तो हमें अभी भस्म कर सकते हैं, किंतु भोलेनाथ, यह आपके द्वारा सुनाई गई अमर कथा का ही उल्लंघन होगा, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जब आपने सभी प्राणियों को यह स्थान छोड़ने का आदेश दिया, उस समय हम अंडे में ही थे, वरना आपके आदेश का उल्लंघन करना हमारे बस की बात कहाँ। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें प्रभु। उनकी करुण पुकार सुनकर भोलेनाथ ने उन्हें क्षमा दान दे दिया और कहा कि आज से तुम्हारा निवास मेरी इसी गुफा में रहेगा, और जिन्हें भी तुम्हारे दर्शन होंगे वो भक्त बड़े ही भाग्यशाली होंगे। भक्तजनों, इस प्रकार इस अमर कबूतर के जोड़े के दर्शन करने वाले भक्त बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। प्रिय भक्तों, जैसा कि हमने कथा की शुरुआत में बताया कि यहाँ पर महर्षि भृगु ने भी तपस्या की थी, किंतु इस युग में सबसे पहले गुफा के दर्शन किसने किए, इसके पीछे भी बड़ी ही रोचक कथा है।
आइए जानते हैं। बूटा मलिक नाम का भक्तों था एक चरवाहा, अपनी भेड़ बकरियां चराने एक दिन वहां आया। बूटा मलिक ने देखा कि एक साधु यहां बैठा, बंद किए हैं दोनों नेत्र ही ध्यान मगन वो था। बूटा मलिक उस साधु के दर्शन को है आया, तेज बड़ा ही अलौकिक उसके मुखमंडल पर पाया। बूटा मलिक ने साधु के चरणों में किया नमन, धन्य हो गया उस साधु के करके वो दर्शन। ऐसे तपस्वी बड़े भाग्य से देखे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, बूटा मलिक उस साधु के दर्शन करके जैसे धन्य हो गया था, तत्पश्चात उस साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया और कहा कि सर्दी बहुत ज्यादा है, ये कोयला सिगड़ी जलाने के काम आएगा। बूटा मलिक ने जब घर पहुंचकर कोयले के उस थैले को खोलकर देखा तो उसमें सोना चांदी और अनमोल रत्न निकले। बूटा मलिक उस थैले को वहीं छोड़कर उल्टे पांव उस साधु के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ा। पावन कथा सुनाते हैं, पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर, यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। भक्तजनों, कहते हैं सन 1850 में सबसे पहले बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गडरिये ने सर्वप्रथम हिमलिंग के दर्शन किए थे। इसके पश्चात ही अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई और यहाँ किए गए दान का एक तिहाई हिस्सा बूटा मलिक के परिवार को मिलता रहा। प्रिय भक्तों, कहते हैं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर एक इच्छा पूर्ण होती है, तभी तो कहते हैं जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। अमरनाथ की अमर गुफा के जो भी दर्शन पाए, पूरी होती है भक्तों की मनोकामनाएं। अब तो लाखों भक्त यहाँ दर्शन को आते हैं, ऊंची बड़ी चढ़ाई है पर चढ़ ही जाते हैं।
भाते हैं, पावन कथा सुनाते।